ये आज बहुत ही खतरनाक चीज़ बन चुकी है कश्मीर में और इलीगल सेल हो रही है ड्रग की। तो आप देख सकते हो कि ये जो नई जनरेशन है ड्रग का बड़ा यूज़ करते हैं, ये ड्रग के शिकार बन चुके हैं। तो अगर आप ड्रग को यूज़ करोगे वो अंदर से खोखला बना देती है इंसान। ब्रोम शिकार आता है, कोकीन आता है, ये ड्रग है, तो इसको बंद करना चाहिए। Drug issues caused due to sir depression and unemployment. का जो यूथ है वो काम धंधा बेरोजगारी है बहुत, कश्मीर में बेरोजगारी बहुत है, इसलिए ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। इतनी पढ़ाई हो रही है कि अब ये इनकी नौकरी भी नहीं मिल रहा है। ज्यादातर मैंने बच्चों को यही देखा, अब वो ड्रग करते करते इसलिए ये ज्यादा फैल रहा है कि लोग परेशान मुझे लग रहा है। पढ़ने के लिए सर ये जो आदमी है ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ड्रग्स ला रहे हैं उधर से इधर से, लोगों को बरगला रहे हैं, बेचारे बच्चों को दे रहे हैं ड्रग्स, और ये बहुत गंदा चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। The government should take serious steps to sort of abolish the drug addiction in the youth right now. पुलिस का जिम्मेदारी है ये ड्रग्स माफियों को खत्म करना है और यहाँ ये ड्रग्स सारा खत्म करना है। मतलब अगर पुलिस चाहे तो मतलब कि जो बेच रहे हैं ड्रग्स उनके खिलाफ अगर एक्शन ले लें तो ड्रग्स जो है खत्म हो सकती है। हुकूमत यहाँ की जो है पुलिस है ये इन जो ये ड्रग माफिया है इनको जेल में डाल दे। And talking about the parents, they should support their children in dos drugs ke taraf nahi le jayega, wo khel kood mein agar hame dilchaspi dilayega ya padhai mein dilchaspi dilayega kisi choose mein ya naukri mein government job mein kisi mein wohi bacha sakta hai dos ki zindagi kar de। हम सबको बोले कि ड्रग्स ना करे, या बच्चों को भी बोले इस चीज से दूर रहे। कश्मीरी नौजवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशा मत करो। बहुत तमाम बायन करा अपील कि तमाम तम कर नश कह जिंदगी खराबी बड़ बार खराबी नश। हम सभी दोस्त कश्मीर में एज टूरिस्ट घूमने आए हैं और हमें यहाँ की जो नेचुरल खूबसूरती है वो बहुत ही अच्छी लगी है और हम कश्मीर के आवाम से यही आग्रह करते हैं कि ये सभी लोग कभी भी नशे की गिरफ्त में ना आए और गलत रास्ता ना अपने। से नो ड्रग्स, हम चाहते हैं ड्रग फ्री कश्मीर।